वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोज़ में हम इंटरनेट मॉडल पेपर का सेट तीन है, उर्दू है, इसके ऑब्जेक्टिव का 100% करेक्ट आंसर की बता रहा हूँ। इसके पहले के वीडियो में हमने सेट वन और सेट टू बता दिए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और 100% आपके क्वेश्चंस इसी में से रहेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और साथियों में शेयर कर दें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप बहुत ही लक्की हो मेरे प्यारे कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है, आपने इस वीडियो को क्लिक किया है ना। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, यहाँ पढ़कर कहोगे वाह मज़ा आ गया, बिना देखे वीडियो को पूरा आप विश्वास मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका पहले का सी हो जाएगा, सुनहरा दौर। ठीक है, दो नंबर सवाल आपके पास आ चुका है कि कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है, कमर जहाँ, तो दो का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सैयद अताउल हक। ठीक है, तीन नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट है कि शबनम कमाली के ताल्लुक कहाँ से है। अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी होगा, बिहार से ताल्लुक इनका है, तीन का सी हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जेल में सुहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमुआ है, अफसानवी मजमुआ, तो चार का करेक्ट आंसर बी होगा, उलाव, है ना, चार का बी हो जाएगा। पाँच नंबर क्वेश्चन है, अनोखी मुस्कुराहट किस अफसाना है, कि किसका अफसाना है, तो पाँच का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, सैयद मोहम्मद हुसैन मोहसिन, सॉरी मोहसिन, पाँच का डी सही है। छः नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सर सैयद अहमद खान ने जेल में से कौन किसे, है ना, जेल में से किस यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली सर सैयद अहमद खान, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी कि छः का बी हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन है कि निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई साख किस अफसाना निगार कौन है, कटी हुई साख के अफसाना निगार का नाम बताना है, तो यहाँ पे हमारा सी होगा, कमर जहाँ, सात का सी हो जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन आपका है कि कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुओं का नाम लिखना है, तो आठ में मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चारागर हो जाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन है कि निगार अजीम के असल नाम क्या है, निगार अजीम के, तो नाइन में करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मेहर निगार। ठीक है, दस है कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी, तो दस का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, है ना, पाइथागोरस। ओके, तो दस के बी वाले सब लोग सही है, सब लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे, बहुत ही शानदार वीडियो, ये सब पढ़ लीजिए, पूरा एग्जाम में लड़ने वाला है। माहे तमाम किसके कलाम का मजमुआ है, तो 11 नंबर में करेक्ट आंसर ए होगा, परवीन साकिर। ठीक है, परवीन साकिर आपका करेक्ट आंसर होगा। 12 है, गालिब कब पैदा हुए, गालिब के बारे में बताना है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, 1797 ईस्वी। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुसहफी के जेर निसाब मसनवी उनवान बताए, तो 13 में आपका करेक्ट आंसर सी होगा, आगाज दास्तान। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि उर्दू की पहली मसनवी कौन है, तो 14 में आपका करेक्ट आंसर बी होगा, कदमराव पदमराव। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट मेरे प्यारे शेर और शेरनी हो, मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था, तो 15 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फिदा हुसैन वामिक। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबका का मिसाइल को उभारा है, तो यहाँ 16 में आपका करेक्ट आंसर बी होगा, जो कमज़ोर तबका। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि निदा फाजली की पैदाइश कब हुई, अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बी होगा, 1966, सॉरी, ठीक है ना, 17 में 1966 हो जाएगा। 18 नंबर है, शामिल निशाब नज़म बिजली का खम्बा के शायर कौन है, तो यहाँ 18 में हमारा करेक्ट आंसर सी होगा, निदा फाजली। 19 है, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए, तो 19 में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका, लाहौर, लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। 20 है कि सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमुआ का नाम क्या है, तो 20 में हमारा सही जवाब सी होगा, सूखी तहरीर। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नसीम की मसनवी का नाम क्या है, तो 21 में हमारा सही जवाब बी होगा, गुलजार नसीम। ठीक है, 22 है कि बेदी का इंतकाल कब हुआ, बेदी का, तो 22 में आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, है ना, 1984 ईस्वी। ओके,
23 है कि लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई। लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई तो हमारा करेक्ट आंसर बी होगा 1941 ईस्वी। ठीक है। 24 है कि राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए, है ना, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लाहौर में पैदा हुए। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अहमद फिराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए, तो 25 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, पेशावर यूनिवर्सिटी। 26 है आपके सामने कि अहमद फिराज का इंतकाल कब हुआ, तो 26 में हमारा करेक्ट आंसर बी होगा, 2009 ईस्वी में। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सुहेल आजम आबादी की पैदाइश कब हुई, तो 27 में आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 1911 ईस्वी। 28 है कि मेहदी अफादी की, है ना, यूपी के किस शहर में पैदा हुए, मेहमद अफादी, तो 28 में हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए, गोरखपुर। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि मेहदी अफादी ने जेर निसाब खत में किसकी मुखातिब किया है, तो 29 में हमारा सी हो जाएगा, मकबूल अहमद समदानी। ठीक है। 30 है कि बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है, तो 30 का आपका सही जवाब ए होगा, असमत चुगताई, असमत चुगताई हो जाएगा। 31 है कि गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, गज़ल का जो आखिरी शेर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको मकता कहते हैं और पहले वाले को मतला कहते हैं। हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई, 32 में पूछ रहा है, तो हमारा आपका बी हो जाएगा, अजीमाबाद। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हसन नईम किस, है ना, इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे, तो 33 का आपका सही और सटीक आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, है ना, गालिब, है ना, इंस्टीट्यूट, जिनके भी कमेंट में है 33 का भी सही है। 34 है परवेन साकिर के वालिद का नाम क्या था, तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही जवाब सी होगा, शाकिब हुसैन, शाकिब हुसैन बिल्कुल सही है। और 35 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि गज़ल के किस शायर को मतला कहते हैं, तो 35 में आपका सही जवाब ये होगा, पहले को, इसको हम पीछे भी वर्णन किए हैं, हमद में किसकी तारीफ की जाती है, ये तो क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, इसको बहुत बार पूछा है, और अल्लाह ताला की, 36 का ये हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है नसीम की मसनवी का क्या नाम है, तो 37 में आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बी होगा, गुलजार नसीम। ओके। 38 है कि मिर्जा शोक का खानदानी पैदाइश क्या था, है ना, खानदानी पेशा क्या था, सॉरी पेशा पूछा है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ए होगा, है ना, तबाबत का। 39 है गालिब के वालिद का नाम क्या था, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर 39 में हो जाएगा, अब्दुल्लाह बेग। ठीक है ना, सी ऑप्शन, अब्दुल्ला बेग हो जाएगा 39 में आपका। और 40 है कि खड़ा डिनर किसके निगार कौन है, तो 40 में आपका डी होगा, सैयद मोहम्मद जाफरी। ओके। 41 नंबर सवाल है कि आलम का जद क्या है, जद यानी उल्टा, आलिम है, सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर 41 में हमारा बी होगा, जाहिल, जेल में मसदर की मिसाल है, तो 42 में हमारा ए हो जाएगा, आना। ठीक है। 43 देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पूछ रहा है कि जेल में जमीर की मिसाल है, जमीर जिसको हम सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, तो यहाँ तुम हो जाएगा। 44 में मारफा की कितनी किस्में हैं, तो यहाँ 44 में हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 7 किस्में हैं। 45 है कि वह इसमें मारफा जिससे किसी इसमें की तारीफ इशारा की जाए उसे क्या कहते हैं, तो 45 में हमारा सही जवाब बी होगा, है ना, इसमें इशारा है तो इशारा ही होगा ना। 46 9211 होना जेल में से क्या है, इसको हम मुहावरा कहते हैं, 9211 होना यानी भाग जाना। ठीक है। 47 है आपके सामने कि जेल में मुहावरा की मिसाल है, इसमें से मुहावरा चूज करना है, तो इसमें बी होगा, आब होना, यानी कि पानी पानी होना इसका मतलब होता है। ठीक है। 48 है करना से इसमें आलिया क्या होगा, तो 48 में हमारा करेक्ट जो आला से होगा, करनी। ठीक है। 48 का ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपके, एक तीर से दो शिकार का मानी है, एक तीर से दो शिकार, तो 49 में हमारा सी हो जाएगा, एक साथ दो काम करना, इसी को कहते हैं। और 50 है वह नजम जो तीन तीन मिसरों पर मुस्तमिल हो उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ हमारा 50 में हो जाएगा डी, इसे मसलश कहते हैं। ठीक है। तो आज का ये जो सेट 3 था, इसमें हमने आपको 50 क्वेश्चंस कराए हैं, आपने इसमें कितने सही किए, कितने याद थे, उसको कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। और मेरे प्यारे, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक ना किया है,
तो प्लीज़ एक लाइक करके दोस्तों और साथियों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, और सेट 1-2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके 1-2 को भी देख सकते हैं, ठीक है। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, बेस्ट ऑफ योर लक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।